फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं ओर्चिड फोर्ड शोरूम, NH58 परतापुर बाईपास मेरठ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विख्यात आनंद हॉस्पिटल के मालिक हरिओम आनंद की मौत को एक माह होने को आ रहा है, लेकिन पुलिस जांच के नाम पर ढाई घर भी नहीं चल पाई है। अमूमन मौत के तुरंत बाद दी गई तहरीर पर पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है, लेकिन हाई प्रोफाइल व पैसे वालों से मामला जुड़ा होने के कारण लगभग एक माह बीतने वाला है, रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। यह हाल तब है जबकि पीड़ित परिवार ADG, SSP व SPCT के ऑफिस के चक्कर लगातार काटते हुए न्याय की भीख मांग रहा है। पीड़ित परिवार के अधिवक्ता रामकुमार शर्मा का आरोप है कि इस दौरान तमाम माध्यमों से मानसिक प्रताड़ना देकर पीड़ित परिवार को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आज भारी दबाव के कारण एकाएक ही हरिओम आनंद की बेटी मानसी आनंद की तबीयत खराब हो गई और वह बेहोश होकर गिर भी गई। इस बीच एक ऑडियो जारी हुआ है जिसमें हरिओम आनंद को शेयर होल्डर से यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वह करोड़ों रुपया उन्हें ब्याज का दे चुके हैं, वे लोग ब्याज भी लें और शेयर का मुनाफा भी। ब्याज अथवा मुनाफा दोनों लिया जाना कहां तक उचित है? शेयर होल्डर से यह सवाल करते हुए हरिओम आनंद की आवाज़ में परेशानी व दबाव साफ महसूस किया जा रहा है। बीते 27 जून को आनंद हॉस्पिटल के मालिक हरिओम आनंद ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी। उनकी पत्नी मीना आनंद का कहना है कि एक रोज पहले ब्याज पर पैसा चलाने वाले उद्योगपति GS City से फोन पर हरिओम आनंद ने रिक्वेस्ट की थी कि सिग्नेचर अथॉरिटी उनसे न ली जाए, इससे उनके हाथ कट जाएंगे और जिस हॉस्पिटल को उन्होंने इस मुकाम तक स्थापित किया उसमें उनकी हैसियत किसी नौकर से ज्यादा न होगी। दरअसल सिग्नेचर बदले जाने की स्थिति में शेयर होल्डर ने हरिओम आनंद को 1.5 लाख रुपये महीना बतौर वेतन घर बैठे देने के लिए कहा था। यह भी कहा था कि इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है। बकौल मीना आनंद, GS सेठी ने उन्हें इस बारे में बात करने के लिए घर बुलाया था। हरिओम का यह भी कहना था कि GS सेठी व शेयर होल्डर उनकी बात नहीं मानेंगे, लेकिन मीना आनंद ने कहा कि एक बार और कोशिश कर लो, क्या पता सेठी मान जाए। अगले दिन हरिओम GS सेठी के घर जाने की कहकर ही घर से निकले थे, लेकिन वहां न पहुंचकर फार्म हाउस पहुंच गया जहां जहरीला पदार्थ खा लिया। आइए पहले सुनते हैं वह ऑडियो जिसमें हरिओम आनंद ब्याज और शेयर के लाभ में से एक ही लेने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि कितने ही पीरियड में आपको लाखों करोड़ों का ब्याज आपको तो मेरे लोग ही तोड़ दिए। और फिर भी मैं कह रहा हूँ कि मैं कर्जदार आदमियों का हूँ, जेल से हूँ और निश्चित डेट 2 तारीख दे रहा हूँ, 2 तारीख के बाद मैं अस्पताल नहीं जाऊँ। आप लोगों को जो पैसा देना हो वो लोग आप करें, मैं ये इतने पुराने और भाइयों से भी ज्यादा करते हैं। तो अगर वो प्रार्थना कर रहा है आज ही मतलब अपने तरफ से रखिए 2 तारीख तक खत्म नहीं जाए तो प्रार्थना नहीं।
आज 25 जुलाई को मानसी आनंद को एकाएक ही तबीयत खराब होने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। उनके वरिष्ठ अधिवक्ता राम कुमार शर्मा ने यह जानकारी दी, साथ ही एक वीडियो भी जारी किया है। आइए देखते हैं। जांच के नाम पर सिर्फ खेल किया गया है। पीड़ित परिवार के द्वारा लगातार जो भी साक्ष्य मांगे गए हमने दिए, जो ये साबित करने के लिए अपने आप में संपूर्ण है कि आरोपियों ने ही उनको आत्महत्या के लिए उकसाया और उनके अत्यधिक दबाव और मानसिक उत्पीड़न के कारण हरिओम आनंद को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। पता नहीं ऐसी कौन सी वजह है कि पुलिस अभी तक इन आरोपियों पर मुकदमा दर्ज नहीं कर पा रही है। अरे भाई, कहीं आपको शंका है तो पहले मुकदमा तो पंजीकृत कर लेते। आप मुकदमा पंजीकृत करने के बाद भी तो अगर कोई निर्दोष होता तो उसको छोड़ा जा सकता था, उनका नाम निकाला जा सकता था। लेकिन ऐसी कौन सी वजह है, कौन सा ऐसा दबाव है कि आप मुकदमा पंजीकृत नहीं कर रहे हैं, अभी भी खेल खेला जा रहा है। हमें पुलिस पे पूरा भरोसा है, अभी भी कानून व्यवस्था पे पूरा भरोसा है कि जो तहरीर मानसी आनंद ने एसएसपी महोदय को दी थी उसके आधार पर रिपोर्ट दर्ज होगी और उसके आधार पर ही मुकदमा पंजीकृत होने के उपरांत आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। इस मानसिक उत्पीड़न और प्रताड़ना के कारण ही आज मानसी की भी स्थिति यह हो चुकी है कि आज वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उसका पूरा परिवार पीड़ित, क्रोधित, आक्रोशित होकर बैठा हुआ है।